अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपको HTML, CSS और JavaScript के साथ साथ PHP में भी काम करना सिखाऊंगा। तो ओपन करते हैं अपने पास सबलाइन टेक्स्ट 3 को, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ, यही जो रजिस्ट्रेशन हमने बनाई हुई थी फॉर्म, इसको यहाँ से उठा के सबलाइन टेक्स्ट 3 के अंदर हम लोग इसको पुट कर देते हैं। जी, मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना बन जाए। ये मेरे पास चेंज हो चुका है। तो बॉडी है, पोजीशन कर लेते हैं एब्सोल्यूट, ताकि एब्सोल्यूट पोजीशन पे कोई भी वर्क नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। चलें, रहने देते हैं जो है कलर, इसको ही रहने देते हैं पोजीशन के साथ, क्योंकि इसका बेसिक कलर रेड है, पोजीशन नहीं वर्क कर रही, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सेकंड नेम लिखा था, ये TR को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट टेबल के अंदर रहते हुए इंटर यूवर यूवर सेकंड नेम। तो यहाँ लिखेंगे इंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखिए इंटर ईमेल एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटर सेकंड नेम, मैं इसको भी चेंज करता हूँ, प्लेस होल्डर में जाकर करता हूँ इंटर ईमेल प्लीज, ठीक। अब यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंटर ईमेल प्लीज, ये आ चुका है। अब हम इसे आगे कंटिन्यू। अच्छा, और दूसरा ये जो मैंने यहाँ पे हमारे पास टाइप है ना, ये वाली टाइप में हमने टेक्स्ट दिया, लेकिन यहाँ पे आके हम देंगे ईमेल, ठीक है। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ये थोड़ा सा कंप्लीट करना है तो यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन लाजमी मांगेगा, वरना ये इसको इंटर नहीं किया करेगा, इसलिए हमने इसकी यहाँ पे टाइप ईमेल दे दी। अब यहाँ पे आते हैं, इंटर ईमेल लिखा है, लिखते हैं जी इंटर कंफर्म ईमेल। अब ईमेल के साथ साथ फिर एक आगे इंटर कंफर्म ईमेल, और इसके साथ हम यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा करते हैं, और वो है जी पासवर्ड। यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्टवर्ड, पेस्ट यहाँ पे लिखते हैं सिंपल पासवर्ड। और ये जो टाइप है इसमें भी ईमेल की जगह पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। इंटर ईमेल पासवर्ड। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देखिए, ये टाइप में मैंने पासवर्ड दिया है, यहाँ पे ये देखिए सारा कुछ हमारे लिखा नज़र आ रहा है। अब पासवर्ड टाइप देने का फ़ायदा क्या हुआ? अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको टाइप में दिया था पासवर्ड, जैसे ही मैं इसमें पासवर्ड ऐड करूँगा तो कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजिंग हो तो मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब मिलेंगे इंशाल्लाह एक लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।